Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do an application that is an application for remission of fine. तो बच्चे application लिखने से पहले कुछ एक बातों का जो है वो ध्यान रखना होता है, और वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले तो इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जितना कहा गया है उतना ही लिखिए। इररिलेवेंट मटेरियल जो है इसमें नहीं लिखना चाहिए, बेकार की कोई बात या इधर उधर की बात इसमें नहीं लिखनी चाहिए। जहाँ तक हो सके टू दी पॉइंट ही जो है एप्लीकेशन को लिखना चाहिए, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लिखा किसे जा रहा है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है, जो आप एड्रेस करके जो लिखते हैं जिसको भी, तो वो कैसे लिखना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसकी जो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन होती है उसमें आपने किस तरह की जो भाषा शैली है उसका प्रयोग करना है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो आप कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो है सात। सबसे पहले आता है हेडिंग, तो चलिए करते हैं इस एप्लीकेशन को। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू रिमिट योर फाइन, तो ये हो गया इसका हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस किसको करना है, द इनसाइड एड्रेस इसका हो गया टू द प्रिंसिपल डैश स्कूल डैश सिटी। अब इसमें मैंने डैश क्यों लिखा है, बिकॉज समटाइम्स सिंपल ही आता है आपको कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू रिमिट योर फाइन, राइट। जब तो ऐसे आएगा तो आपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, अगर आपकी बोर्ड की क्लास है तो, ना ही सिटी का नाम लिखना है। लेकिन अगर ऊपर मैंशन किया गया है हेडिंग में, तो फिर आपने वही एड्रेस जो है वो लिखना होता है, स्कूल का नाम भी वही लिखना होता है और सिटी का नाम भी वही लिखना होता है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कि आपने जो एप्लीकेशन लिखा है वो किसके रिगार्डिंग लिखा है। तो हमने एप्लीकेशन कौन सा कर रहे हैं आज, रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपने किस तरह से एड्रेस करना है उस अथॉरिटी को जिसको कि आपने एप्लीकेशन लिखना है। तो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं तो उनको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, ये लिखा है मैंने इसमें। वो मेल भी हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। तो अगर तो मेल प्रिंसिपल है तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, और अगर फीमेल है तो रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। नेक्स्ट कम्स बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर जो है इसमें हम मेन जो आपने सब्जेक्ट मैटर लिखा है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि ये रेलेवेंट होना चाहिए, और किसके रिगार्डिंग है वो रीज़न देना चाहिए, और उसके बाद में आपने जो रिक्वेस्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन हम किसी रिक्वेस्ट के लिए ही कर रहे होते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। With due respect, I beg to state that I am a student of 12th class under roll number 12, section A. तो इसमें आपने सबसे पहले लिखना है अपना इंट्रो कि मैं कौन हूँ। तो इसमें हमने सबसे पहली लाइन लिखी कि बहुत ही जो विनती के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आदर के साथ यह जो है स्टेट किया जाता है कि मैं कक्षा 12वीं का रोल नंबर 12 के तहत विभाग जो सेक्शन है आपका ए, उसका विद्यार्थी हूँ आपके स्कूल में। ये आप एड्रेस कर रहे हो प्रिंसिपल को। माय इंग्लिश टीचर मिसेस कुसुम के अस स्पेशल टेस्ट ऑन 26 मार्च 2021। अब क्योंकि ये वीडियो भी मैंने इसी डेट को अपलोड किया है तो मैंने डेट भी यही लिख दी है। तो आपने जिस दिन भी ये एप्लीकेशन लिखनी है तो वही डेट लिख सकते हो आप कि मेरे इंग्लिश टीचर ने, फिर नाम लिख दीजिए जो भी आपके इंग्लिश टीचर का है, ठीक है, गेव अस अ
स्पेशल टेस्ट की एक स्पेशल टेस्ट दिया था जो कि 26 मार्च 2020 को लिया गया। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, और उस दिन मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था या कर रही थी, सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। शी फाइंड मी रुपीज 50 फॉर बींग एबसेंट, और उन्होंने मुझे एबसेंट होने की वजह से कितने रुपीज़ फाइन कर दिया, 50। इसमें आप 50 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, अभी आपने रीज़न दे दिया कि आप कौन सी क्लास के बच्चे हो और आपका टेस्ट किसने लिया था, किस सब्जेक्ट में लिया था और आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, ये सब हमने लिख दिया है। नेक्स्ट कम्स, आपने सॉरी फील करना है, आई एम सॉरी डेट आई कुड नॉट टेक द टेस्ट, रीज़न हो गया आपका। आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज गेट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, मैं एक जो नियमित तौर पे स्कूल में आता हूँ और मेरे जो क्लास टेस्ट हैं उसमें भी अच्छे नंबर जो हैं अंक आते हैं। माई फादर इज़ अ पुअर मैन, मेरे पिताजी एक गरीब इंसान हैं, सो ही कैनॉट पे माई फाइन, काइंडली रिमिट माई फाइन, इसलिए वो मेरा जो फाइन है वो नहीं दे सकते, कृपा करके मेरा फाइन जो है वो माफ़ कर दिया जाए। नीचे आपने धन्यवाद करना है, थैंक्स, और लास्ट में आपने जो है सब्सक्रिप्शन देना है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने अंत में जो अपने बारे में लिखना होता है, जो भी उनको फेथफुली या सिंसियरली करके आपने लिखना होता है, तो योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र, नीचे नेम, क्योंकि ऑलरेडी हम क्लास सेक्शन और रोल नंबर दो पर मेंशन कर चुके हैं। इसके नीचे आ जाता है डेट, तो आपने जिस दिन वो एप्लीकेशन लिखा है तो उसका आप डेट लिख देंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट एन एप्लीकेशन ऑफ रिमिशन ऑफ फाइन। आई होप कि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये जो एप्लीकेशन है वो आपको लिख के दी है, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग ऑफ द एप्लीकेशन, उसके बाद किसको लिखा जाना है, हम प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर स्कूल का नाम और सिटी, अगर दिया हुआ है तो आप वही मेंशन करोगे, अदरवाइज़ आप डैश डाल के स्कूल एंड सिटी लिख दोगे। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आप सॉल्यूशन में चले जाते हो कि आपने एड्रेस कैसे करना है कंसर्न्ड अथॉरिटी को, फिर बॉडी ऑफ द लेटर आ जाता है और फिर आता है सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपने खुद के बारे में योर्स फेथफुली या सिंसियरली, जो जैसे भी डेजिग्नेशन है जिसको भी आपने लिखना है उसके लिए वर्डिंग का इस्तेमाल करना होता है, और फिर लास्ट में लिखनी होती है डेट के किस डेट को आपने वो जो एप्लीकेशन है वो लिखी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेटर के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम। इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Till then, goodbye, have a nice time.